गुड मॉर्निंग। रोज की तरह आज फिर munafasutra.com की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए निफ्टी का व्यू, टॉप हेडलाइंस, ब्रोकर रिकमेंडेशन, ये कुछ चीजें रोज की रोज मार्केट खुलने से पहले लेके आता हूँ, लगभग सुबह 8 बजे के आसपास। आज है 20 अक्टूबर 2020। आज के हेडलाइंस देख लेते हैं, पहले निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। निफ्टी का सपोर्ट 11,500 है। ये सपोर्ट धीरे 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 बहुत धीरे धीरे करके ऊपर खिसक रहा है। 2 हफ्ते पहले 11,330-40 पे था, धीरे धीरे खिसकते 10-20 पॉइंट खिसकते खिसकते 420-430 तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे खिसकते खिसकते अब 11,500 के आसपास पहुंचा है। इसका सपोर्ट ऊपर खिसकने का मतलब ये होता है कि स्टॉक ऊपर तो जा रहा है, पर बहुत धीरे धीरे जा रहा है, बहुत मतलब कोई बहुत मोमेंटम वाली बाइंग नहीं आ रही है, खिसक रहा है बस, रेंग रहा है। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे खिसक के 12,200 पहुंच गया है। ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस है वहां पे। अगर कोई मतलब खास तेजी होती है, वैसे तो अभी वहां से करीब 300 समथिंग पॉइंट दूर है, पर खास तेजी कोई होती है तो वहां के आसपास आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिलेगी। कल का सेशन बहुत ही छोटे से दायरे में घुमा है, 11,820 का लो बनाया है, 11,900 का हाई बनाया है, 900 तक पहुंचा नहीं है, 2 पॉइंट नीचे रह गया है। बहुत ही छोटा सा दायरे के अंदर घुमा है, उसमें भी ये जो हाई और लो है ये तो बस कुछ ही देर के लिए टिका था वहाँ, बाकी तो 30-40 पॉइंट के दायरे में ही घूमता रहा है। ओपनिंग के ऊपर 10-20 पॉइंट, ओपनिंग के नीचे 10-20 पॉइंट, उसी दायरे में घूमता रहा है। तो आज मार्केट खुलने के बाद देखेंगे कि कैसा क्या रहता है। munafasutra.com पे फियर ग्रीड मीटर है, उसको देखेंगे पहले मार्केट खुलने के बाद 15-20 मिनट बाद, उसमें जो ट्रेंड दिखाई देगा उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। न्यूज देख लेते हैं आज की। न्यूज में टाटा कम्युनिकेशन का प्रॉफिट 7 गुना बढ़ गया है, 380 समथिंग करोड़ पहुंचा है। इस वजह से शेयर अपर सर्किट में जाके बंद हुआ है। फेडरल बैंक के एनपीए कुछ कम हुए हैं, जो उनका रिजल्ट आया है उसमें एनपीए कुछ कम हुए हैं, एसेट क्वालिटी बढ़ी है, इसलिए शेयर 5% ऊपर गया है। एचडीएफसी बैंक, इनका इंटरेस्ट प्रॉफिट जो होता है वो 15,000 समथिंग का वो प्रॉफिट हुआ है, वो भी बढ़ा है, 16% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। और आज की ब्रोकर रिकमेंडेशन में यही दोनों स्टॉक है, फेडरल बैंक और एचडीएफसी। किसी ब्रोकर ने फेडरल बैंक पे बाई की कॉल दी है, किसी ने एचडीएफसी पे दी है। हम लोग इसमें से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक हमें थोड़ा सा वैसे ज्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने एचडीएफसी बैंक को चुना है आज की ब्रोकर रिकमेंडेशन के सेक्शन में। इसमें टारगेट दे रहे हैं 1400 का। इसमें कई ब्रोकर ने टारगेट और कॉल दी है, किसी ने 1400 का टारगेट दिया है, किसी ने 1450 का दिया है, इसी के आसपास के टारगेट्स हैं। इसमें मोतीलाल ओसवाल की है, दौलत कैपिटल की है, के ग्लोबल सिक्योरिटीज की है, यस सिक्योरिटीज की है। कई ब्रोकर्स ने आज इस पे ब्रोकर रिकमेंडेशन दी है एचडीएफसी बैंक पे। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कल आपसे सुबह फिर मिलेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है किसी स्टॉक को लेके, खरीदे ना खरीदे, क्या करें, बेचे, क्या टारगेट रखें, क्या स्टॉप लॉस रखें, तो munafasutra.com पर जाइए, वहाँ अपना क्वेश्चन चैट का बटन दबाइए और अपना क्वेश्चन वहाँ छोड़ दीजिए। मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप वैसे, पर चैट में छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर खाली न्यूज़ का वीडियो मिलेगा, आपके क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है वो munafasutra.com पर अवेलेबल होता है। होम पेज पे ये munafasutra.com खोलेंगे, पहले ये न्यूज चलेगी, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता है। तो चलिए आज का न्यूज बुलेटिन यही खत्म करते हैं, कल सुबह 8 बजे के आसपास आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।